मेरे लिए 20 किलो लहसुन के पकौड़े बना दे। पकौड़े के साथ हरी चटनी भी चाहिए और साथ में गांजे की पुड़िया भी दियो मेरे को। नो एक्सक्यूज। क्यों नहीं बनाएगी तू? तू क्या, तेरा बाप भी बनाएगा? जल्दी से 20 किलो लहसुन के पकौड़े पैक कर दे, मैं अभी आता हूँ। मेरे में हिम्मत नहीं है, लहसुन के नाम से ही मेरे को उल्टी आती है। मेरा मन कर रहा है वही उल्टी मैं तेरे मुंह पे फेंक कर मारूं। तेरे को 20 किलो ही खाने थे क्या? 20 किलो पकौड़े बनाते हुए तो मेरी फटकर हाथ में आ जाएगी, और मेरी तो वैसे भी पहले से फटी हुई है। मन तो कर रहा है मैं तेरे को जबरदस्ती क्रिस्टरी दिखाऊं, लेकिन अभी सेट मैक्स पर सूर्यवंशम आ रही है। लहसुन के पकौड़े चाहिए। तू इतने पकौड़े क्यों खाता है? लहसुन के पकौड़े मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, तू क्यों खाता है? और तेरा पेट है या कुआ? 20 किलो कैसे खाएगा तू? और घर में तो बेसन भी खत्म हुआ पड़ा पकोड़े के लिए। तेरी तरह मेरा पति भी लहसुन के पकोड़े खाता रहता है कमीना। इसने मेरे को कमीना कहा? वो बावली पूछ पूरे दिन लहसुन के पकोड़े खाता है। अब तो उस बावली पूछ का चेहरा भी लहसुन जैसा हो चुका है। मैं थक चुकी हूँ, मैं तेरे लिए लहसुन के पकोड़े नहीं बनाऊंगी अब। कुछ भी हो जाए तू मेरे लिए लहसुन के पकौड़े बना दे बस, नमक और मिर्च स्वाद अनुसार। तेरा पति तो मेरे को भी बावली पूछ लगता है शक्ल से, वो हरामजादा है ना? लहसुन के पकौड़े बना तू तेरे लिए, रुक जा। ओह तो ये है वो बावली पूछ। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। आज 200 लाइक्स का टारगेट रखते हैं इस वीडियो पे, तो 200 लाइक जल्दी से कंप्लीट करो यार, मुझे नहीं पता बस कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो भाई वो लाइक करके जाना यार, एक एक लाइक कर दो, इतना ही काफ़ी है। तो ओके दोस्तों, मिलते हैं हमारी एक और नई वीडियो में।